पड़ताल शुरू कर दी और हत्या के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुट गई। मथुरा जनपद के कस्बा फरह में एक मकान के बंद कमरे में तीन शव मिलने से थाना क्षेत्र फरह में सनसनी फैल गई। घटना की खबर तेजी से फैल गई। अंदर से बंद दरवाजा तोड़ने पर फरह निवासी नीरज गोयल उम्र करीब 35 वर्ष फांसी पर लटका हुआ शव पुलिस को बरामद हुआ। मृतक का 11 वर्षीय बेटा लड्डू उर्फ अनमोल और पत्नी भी बगल में मृत पड़ी हुई थी। नीरज गोयल फरह में ही एक परचून की छोटी सी दुकान चलाकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घटना के बारे में बताया गया कि पति पत्नी में आपसी कलेश के चलते पति नीरज ने बेटे व पत्नी की हत्या के बाद खुद आत्महत्या कर ली। सनसनी खबर की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह व सीओ रिफाइनरी भी मौके पर पहुंच गए। बेटे के मुंह से झाग निकल रहे थे, इससे यह प्रतीत हो रहा था कि उसे विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है। आसपास के रहने वाले लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि पति पत्नी का काफी समय से आपसी विवाद चल रहा था। इनकी शादी को 3 वर्ष हो चुके हैं। नीरज की शादी पहली जबकि उसकी पत्नी की तीसरी शादी बताई जा रही है। घटना स्थल पर पत्नी और बेटे के मुंह से झाग देखकर लगता है दोनों को जहर दिया गया होगा। उसके बाद नीरज ने फांसी लगाई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घटनाक्रम की जांच में जुट गई। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। ये नीरज गोयल है जिनकी उम्र करीब 35 साल है, थाना फरा के। यहाँ इनकी छोटी सी परचून की दुकान है। 3 साल पूर्व इनकी शादी हुई थी और आज इन्होंने सुबह जब इनका घर नहीं खुला अभी तक तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि ये घर से बाहर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस गई और जब देखा तो एक कमरे में तीनों की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इन लोगों ने आत्महत्या की है और इनका जो अभी तक की बातचीत से समझ में आया है कि इनका जब से शादी हुई है तब से ही आपसी विवाद चल रहा है और उसी विवाद की ये परिणति आज दिखाई पड़ रही है। बताया जा रहा है दूसरी शादी थी, तीसरी शादी थी, क्या था सर? जी, नीरज गोयल की तो पहली शादी थी लेकिन इनकी वाइफ की ये तीसरी शादी बताई जा रही है और जो बच्चा है वो 10 साल 11 साल उसकी उम्र बताई गई, वो बच्चा इनकी पहली शादी।